अभी आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ का गढ़ करार। मुआवने खुसूसी कामरान बंगश कहते हैं सूबे में पीटीआई की मकबूलियत उरूज पर है। तारीखी मकामात की बहाली के लिए इकदाम कर रहे हैं। मुखालफीन रुकावटें हायल करके पेशावर की तरक्की रोकना चाहते हैं। आटे के बहरान पर काबू पाने के लिए गंदम दरामद कर रहे हैं। जखीरा अंदोजों और मसनू बहरान पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया। मैं यहाँ पे ये एक्नॉलेज करता हूँ कि इमरान खान की भी एक खास मोहब्बत है खैबर पख्तूनख्वा के साथ और बिलखसूस पेशावर के साथ, क्योंकि हम बारहा ये बात उनको यकीन दहानी दिलाते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ है और यहाँ से जो तब्दीली की लहर है वो यहीं से शुरू हुई है। हम ये समझते हैं कि पेशावर की तरक्की पूरे खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की है और पेशावर की तरक्की इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान की तरक्की है। हम नुमाइंदगान जो पेशावर के हैं, हम पेशावर के शहरियों को, बासियों को ये यकीन दिलाते हैं कि हम उनके हकूक से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। हमारे रास्तों में रुकावटें हैं मुख्तलिफ किस्म की, हमारे मुखालिफिन मुख्तलिफ हीले हरबे इस्तेमाल करते हैं, कभी प्रोपेगंडास करते हैं, कभी केसेस के थ्रू, कभी कुछ पेशावर को पीछे धकेलना चाहते हैं, लेकिन हम पेशावर के नुमाइंदगान ये एश्योरेंस देते हैं कि पेशावर को हम किसी सूरत पीछे नहीं धकेलने देंगे और अगले 2.5 साल या तकरीबन 3 साल जो रहते हैं वो पेशावर की तरक्की का सुनहरा बाप होगा।